ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की 5 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पल भर में किसी को मशहूर कर देता है तो किसी को बदनाम कर देता है। एक ऐसा ही सोशल मीडिया में खिलौना बेचने वाले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खिलौने बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केजरीवाल तक का नकल कर रहा है। मगर अब आरपीएफ ने गुजरात के सूरत से बनारस के रहने वाले अवधेश दुबे को गिरफ्तार किया है। दुबे पर शोर शराबा करने का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने सहित अन्य मामले आरपीएफ ने दर्ज की है। देखिए किस तरह से अवधेश दुबे ने मोदी से लेकर केजरीवाल और सोनिया से लेकर जियो डेटा पर तंज किया है। कौन है, बेबी है या बेबा? बेबा। अच्छा, मोदी जी, मुझे लगा नंदी जी है। ओके। मोदी जी के लिए डोरेमोन नाम तो सुना ही होगा। क्या भाव है? 120 का बेचता हूँ, 100 के नीचे 99 में भी नहीं देता हूँ। ये तो क्या है, हम इंडियन की खासियत है, दूसरों की थाली में चावल लंबाई दिखता है, ये तो हमको भी पता है। ऐसे केजरीवाल को मोदी की थाली में दिख रहा था, देखो खुद की थाली छीन रही है। खाली मोदी है जो सोनिया से जीते, एक ही जन सौर से जीत पाए हैं और प्रधानमंत्री बन गए। लाओ चलो, एक जन और फंसे हैं। थैंक यू साहब। दो संदेश देना चाहता हूँ। हाँ। कि नेता हो तो हमारे मोदी जैसा मुलायम तो तकिया भी होता है। वाह। जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं, बाकी किसी काम के नहीं है। 2024 तक खुद इटली नहीं गए तो यहीं पे इटली बेचना पड़ेगा मेरे प्यारे देशवासियों। अगर आप सड़कों पर इटली खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बोरीवली रेलवे स्टेशन के पास का है। इस वीडियो में इटली बेचने वाला शख्स पानी जो इस्तेमाल कर रहा है वो पानी शौचालय का है। एक शख्स ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने स्ट्रीट फूड के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। क्या नहीं, क्यों ये पानी भर रहा है? ये पानी इधर से क्यों भर रहा है? क्या अच्छा है? अच्छा नहीं है। वही बोलो ना, क्या अच्छा है बोलो। अच्छा नहीं है को बोलना तुम। मैं क्या बोल रहा है आपको मालूम है ना, अच्छा है। क्या अच्छा है इसमें बताओ? अच्छा नहीं है। ये संडस में का संडस थोड़ी नहीं है। हाँ, संडस नहीं है। संडस है क्या? संडस नहीं है, संडस नहीं है ये। हाँ, चल ना उधर धंधे पे बताता हूँ अभी, किधर किधर से पानी भरता है, किधर किधर खिलाता है। उसको खड़ा मत करना, मैं पहले बोलता हूँ। तेरा धंधा बिंदा सब बताता हूँ कि नहीं, देख। अलीगढ़ में विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष सुमित कटारिया को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हिंदू छात्र वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने खुद को अध्यक्ष बताने वाले को दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह से पीटा है। हिंदू वाहिनी के मुताबिक वो जिला अध्यक्ष के पद के एक कार्यक्रम में आए थे। अलीगढ़ के गांधी पार्क में सुमित को निष्कासित होने की खबर सामने आई और हंगामा हो गया, जिसके बाद हंगामा हुआ और फर्जी अध्यक्ष बताकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने बीच बचाव किया और इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है।
कल्याण के खड़कपाड़ा में एक चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया है। कृष्णा नगर सोसाइटी में वृद्ध महिला के साथ चेन स्नेचिंग की घटना हुई है। ये महिला गेट के पास बैठी है, तभी एक युवक गेट से अंदर आता है और दूसरा युवक बाइक लेकर गेट पर खड़ा हो जाता है और इस घटना को अंजाम देकर दोनों फरार हो जाते हैं। देखिए किस तरह से इन दोनों ने इस वृद्ध महिला से चेन स्नेचिंग की है। अमेरिका ने भारत को मिले GSP दर्जे को ख़त्म कर दिया है। GSP दर्जा छीन लेने से भारत से अमेरिका में होने वाले निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा। दरअसल GSP का मतलब है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस अमेरिकी ट्रेड प्रोग्राम है। इसके अलावा अमेरिका विकासशील देशों से आर्थिक तरक्की के लिए बिना टैक्स सामानों का आयात करता है। अमेरिका ने 129 देशों को ये सुविधा दी है। 129 देशों से अमेरिका को 4,800 प्रोडक्ट का आयात होता है। अमेरिका ने ट्रेड एक्ट 1974 के तहत 1 जनवरी 1976 को GSP का गठन किया था। अमेरिका के इस फैसले से भारत के निर्यात होने वाली कई चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।